हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई बाइक मोटर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। अगर आप ई बाइक बनाने जा रहे हो तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कौन सी मोटर का यूज कर सकते हो ई बाइक बनाने के लिए, कौन सी मोटर ज़्यादा सूटेबल रहेगी ई बाइक बनाने के लिए। आइए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारे ई बाइक मोटर्स के ही टाइप हैं जिसका हम यूज करते हैं ई बाइक बनाने के लिए। आइए देखते हैं, जो फर्स्ट मोटर आती है हमारी हब मोटर, जिसे हम BLDC इलेक्ट्रिक हब मोटर भी बोलते हैं, जिसकी वोल्टेज रेटिंग है 48 वोल्ट है, जो कि ये 48 वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, इसलिए इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 48 वोल्ट। पावर रेटिंग 500 वाट, 480 RPM रेटिंग है इसकी। बेसिकली इस मोटर का यूज हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के लिए ही करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के लिए करते हैं इस मोटर का यूज। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है, अगर आप इस मोटर का यूज करते हो तो ये सिर्फ बैटरी के थ्रू ही ऑपरेट हो सकती है, विदाउट बैटरी इसका यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस मोटर का यूज आप ना करें। सेकेंड टाइप की मोटर आती है हमारी DC गियर मोटर, जिसे हम DC गियर इलेक्ट्रिक मोटर भी बोलते हैं, जो इसका मॉडल नंबर है MY1016। 24 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग है, पावर रेटिंग 350 वॉट है, और जो इसकी RPM रेटिंग है 2750। बेसिकली इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शास में। अगर आप इसका यूज इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसकी थोड़ी फिटिंग में दिक्कत आएगी। अगर आप फिटिंग कर सकते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। पावर रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, हाई वेट कैरिंग कैपेसिटी है इसकी। अगर आप इजीली इसे फिट कर सकते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। जो इसी का ही सेकेंड टाइप आता है, इसी मोटर का सेकंड टाइप है ये DC इलेक्ट्रिक मोटर भी बोलते हैं इसे, जो इसका मॉडल नंबर है MY1016Z2। वोल्टेज रेटिंग सेम हो जाती है, 24 वोल्ट ही है इसकी वोल्टेज रेटिंग। जो पावर रेटिंग है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, वो है 250 वॉट, और RPM भी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, वो है 400 RPM। बट इसमें क्या खास बात है, ये इजीली फिट हो जाती है इलेक्ट्रिक बाईसाइकल्स के लिए, क्योंकि ये उसी को देखकर बनाई गई है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकल के लिए ही ये मोटर को डिजाइन किया गया है, तो इजीली फिट हो जाती है। माउंटिंग प्लेट्स भी इसकी अवेलेबल है मार्केट में, इजीली मिल जाती हैं, तो आप इस मोटर का यूज कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगी ये वाली मोटर। मैं सजेशन दूंगा कि आप इस मोटर का यूज करें ई बाइक बनाने के लिए। बस पावर रेटिंग थोड़ी कम है, वेट कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन 1% के लिए सूटेबल है ये मोटर। जो सी का, अगर पावर रेटिंग आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इसकी एक और टाइप की मोटर आती है, उसका यूज कर सकते हो आप, जो इसका मॉडल नंबर है MY1016Z3। 24 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है, पावर रेटिंग इंक्रीज हो जाती है, वो है 350 वॉट, जिससे कि इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मोटर, जिसका मॉडल नंबर था MY1016Z3। RPM रेटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि इसका जो फ़र्क पड़ेगा स्पीड पर पड़ेगा, स्पीड भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मोटर, जो इसका मॉडल नंबर था MY1016Z2। तो आप इस मोटर का भी यूज कर सकते हो, बट कॉस्ट इसकी थोड़ी हाई हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मोटर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा मोटर, किस मोटर का यूज करना चाहते हो। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप इन दोनों मोटर में से ही किसी एक मोटर का यूज करें अपनी ई बाइक बनाने के लिए, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये थे ई बाइक मोटर्स के टाइप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।